यहाँ पे जो मूवी थी राम तेरी गंगा में शूटिंग हुई थी। तो लामा टॉप जो है ना हासिल देव की तरह पूरा हासिल दे जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूँ हर्सिल वैली, पर उससे पहले जो है मैं अपने रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ। फटाफट से आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ मैं। ये कुछ वैसे मेरा रूम दिखता है, ठीक है, रूम तो बहुत ही बढ़िया वैसे खैर। और यहाँ पर बाथरूम भी दिखा देता हूँ, ये अपना बाथरूम है भाई, ठीक है, बढ़िया सब कुछ, मतलब बढ़िया है, गीजर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये देखो, ये मेरे रूम से दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद जो है अभी असली सीन, असली नज़ारे शुरू होते हैं। अब ये देखो सामने बालकनी से व्यू, चेक दिस आउट गाइस। और ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये एप्पल की फार्मिंग हो रही है नीचे पूरे, उसमें हर्सिल वैली में फेमस है। और अभी जो है मैं आपको नीचे घुमा भी दूँगा, यहाँ पर भी चलेंगे अभी। तो यार जिस स्टे में मैं रुका हूँ उसका एग्जैक्ट नाम तो मुझे अभी जो है पता नहीं है, क्योंकि नाम इसका है ही नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। पर ये जो आप जो है ना GMBN के ये देख रहे हो ना पीछे, वो उसके सामने मेरा हुआ है। और यहाँ से आप देख लोगे, वैसे जब रोड से भी आओगे तो आपको ये दिख जाएगा। अभी हम जो है ना यहाँ ऊपर उस टॉप पर चलने वाले हैं और वहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं। चलिए फिर। हर्सिल यार उत्तरकाशी में एक छोटा सा टाउन है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पे पूरे उसमें, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ उसमें से 20 टूरिस्ट भी नहीं है। पर यहाँ पे जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब बहुत वो है घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर जगह है। थोड़ा सा मैं आपको जो है ना हल्का सा अभी तो करके अभी आगे दिखाते हैं आपको अच्छे से। और ये यहाँ पे जो है सारी सुविधाएं हैं। सबसे बढ़िया बात ये देखो, ये जो सामने आप देख रहे हो ना, मैं भाग के चलता हूँ फटाफट से आपको दिखाता हूँ एक चीज़। बहुत ही आइकॉनिक चीज़ है बेटा। तो हम पहुँच चुके हैं, तो अगर किसी ने जो है वो मूवी देखी होगी राम तेरी गंगा मैली, तो उसके सामने जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध डाकघर है हर्सिल में, जो कि ये है। और यहाँ पे जो है ये मूवी का पोस्टर भी लगा हुआ है, ये डाकघर है। ये यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। और काफ़ी पुराना है ऐसे में जैसा दिखता है ये। तो आपने सुना होगा हर्सिल के राजमा और हर्सिल के सेब दोनों बहुत फेमस है। और यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे, मतलब जो है ये फार्मिंग दिखेगी। अगर आपने मेरी गंगोत्री से आने वाली, मतलब गंगोत्री आने वाली वीडियो देखी होगी, तो उस टाइम भी हमने देखा था सेब के रेट यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, मतलब जो है 50 रुपये किलो पर बिक रहे, और अगर ज़्यादा लेंगे तो और सस्ते भी हो जाते हैं। और अगर ऐसे तोड़ के खाने तो तोड़ के भी खा सकते हैं। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ लामा टॉप एक्सप्लोर करने के लिए, और हर्सिल में जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। पॉपुलर के मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक और सबसे इजी गोइंग यही है, तो वहाँ पे चल के देखते हैं। इजी गोइंग तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो है ना रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है भाई, ख़तरनाक बोले तो हाइट ही हाइट है। और वहाँ से उम्मीद करते हैं कुछ अच्छे व्यूज़ आएंगे। कोशिश मैं ये कर रहा था कि मैं जो है ना आपको सनसेट दिखाता, बट यहाँ पर जो है नेचर है सम डिफरेंट प्लान्स, और वो जो है अब मतलब बादल बादल से आ रहे हैं, तो हो सकता है अच्छे से टाइम लैप्सेस बन जाए, तो अपना तो मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाएगा। पर चलो जो भी है खैर। हर्सिल से यार लामा टॉप लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, और इसे जाने में आपको लगभग 45-50 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि चढ़ाई जो है ना एकदम खड़ी चढ़ाई है, और बीच में वैसे देवदारों से भरा हुआ बढ़िया सा जंगल है, तो आपका जो ट्रैक है बहुत ही मज़ेदार रहता है। हर्सिल वैली उत्तराखंड में बहुत ही ऑफबीट जगह है, और अगर आप भी जो है क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं करते हो तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं हर्सिल वैली को। बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, पर सामने एक बहुत ही सुंदर सा व्यू है, वो दिखाता हूँ आपको, वो देखो। ये देखो गाइज, ओ भाई साहब, चेक दिस आउट बॉयज एंड गर्ल्स। फॉर फीलिंग बिहाइंड माय आईज यू स्टूड आउट cuz यू वर इन रेड नाउ अगेंस्ट माय इंटेंशंस आई
यार चढ़ाई तो है यार, चाहे भले थोड़ा जगह कम है चलने के लिए बट चढ़ाई तो बहुत है यार। ओहो अब लगता है मुझे 100-200 मीटर ही और होगा क्योंकि उसके बाद तो हम हिमालय पे पहुंच जाएंगे सीधे ही। बट सीन चेकआउट करें जरा आप, और बैकग्राउंड जो है ना गाने बजा रहा हूँ मैं, अब इसमें जो है ना वो नहीं आएंगे, कॉपरेट स्ट्राइक नहीं आती है। प्रो टिप जो नए वो है क्रिएटर हैं उनके लिए। We are here at the Lama Top and man, check out the scenes. Bhai sahab, I'm here to stay. Destiny will overcome. No, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul will rise. From the darkness to the light. So yaar finally jo hai na main itni pyari si itni achhi jagah pe hu कि क्या बताऊँ, आज तो मतलब मैं बादलों के ऊपर आ चुका हूँ। ओह भाई हवा चल रही बहुत तेज, बट ये जो है ना मतलब एंड उस पे हूँ मैं बिल्कुल। GoPro तो पता नहीं जस्टिफाई कर पा रहा होगा नहीं कर पा रहा होगा, वो देखो यार वो कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह मैन, तो यार लामा टॉप से मैं आपको दिखा देता हूँ अपना हर्षिल। हर्षिल जो है इतना छोटा सा, देखो इतना छोटा सा जो है अपना हर्षिल है ये सामने, पर बहुत ही खूबसूरत है यार। ये सामने से जो है ये भागीरथी नदी बह के आ रही है, वो ऊपर की तरफ है अपना गंगोत्री, वहीं से जो है ये हम आए हैं। अगर आपने वाले ब्लॉग चेकआउट नहीं करें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सुंदर यहाँ पर जो है ये फ्लैग्स लगाए हुए हैं, टाइबेटन फ्लैग्स हैं ये, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मैंने ये फ़ोन रखा हुआ है आपको टाइम लैप्स दिखाने के लिए, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा टाइम लैप्स हम कैप्चर करेंगे। हर्षिल यार काफ़ी ठंडी जगह है, अगर आप भी हर्षिल जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा या तो आप समर्स में जा सकते हो यानी मई जून में, या फिर आप विंटर में जाइए जनवरी फरवरी में, आपको बहुत ही अच्छा स्नोफॉल और स्नो से कवर्ड जो है यहाँ पर ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप किसी और टाइम भी जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सी जगह है हर्षिल, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो लामा टॉप से जो है ना हर्षिल देखो कितना पूरा पूरा हर्षिल दिख जाता है, और बहुत ही छोटा सा है, पर यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना ये सारी की सारी जो है एप्पल फार्मिंग है, और ये जो आप सारा देख रहे हो ये सारा एप्पल फार्मिंग है जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है। जो छोटे छोटे आपको जो है ना प्लांट से मतलब हल्के हल्के से वो दिख रहे होंगे झाड़ियाँ दिख रही होंगी, ये एप्पल ट्रीज है। और ऊपर जो है वहाँ पर बढ़िया बढ़िया ग्लेशियर्स हैं, और यहाँ जो मेरा पीछे है यहाँ पर तो शायद अभी सही दिख रहा होगा, तो हवा बहुत चल रही है यार। यहाँ पीछे जो है ना एक गुग्याल है, गुग्याल तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि 16-17 किलोमीटर का ट्रैक है। तो यार यहाँ पे जो है कितना ही महंगा मैं कैमरा लेके आ जाऊँ, कितने अच्छे मैं गियर्स लेके आ जाऊँ, बट जितनी प्यारी ये जगह जो है ना एक्चुअल में दिख रही है इतना तो मैं किसी भी उससे कैमरे से नहीं दिखा पाऊँगा। ओह माय गुडनेस, ओ भाई यहाँ से तो मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक व्यू आएगा। हाँ चेक दिस आउट गाइस, भाई साहब ये जो देवदार के पेड़ है ना ये बहुत सुंदर लग रहे हैं यार, हाय 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 हाय। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।